Good evening. Atrium structures. देवी, पार्वती here. रवि, रवि सर क्लाइंट्स के साथ हैं. एनी मैसेज पार्वती? नो नथिंग. उसका फोन नहीं लग रहा था तो. उन्हें आने में देर होगी. एनीवे, आई पास द मैसेज. हाउ इज अमू? वो एक नया प्लेस्टेशन लेने के लिए यहाँ आई है. एग्जाम में सिल्वर स्टार मिला है तो ट्रीट दे रही हूँ. एक प्लेस्टेशन और एक बकेट फ्राइड चिकन दे रही हूँ. रवि से कहो ना वो मुझे कॉल करे. ठीक है. अमू, 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 आपने मेरी बेटी को देखा? नहीं देखा. मैडम, आपकी बेटी टेडी बियर के पास खड़ी है. अमू, कैसी लड़की हो तो, तुमने तो मुझे डरा ही दिया. मम्मा, ये कितना क्यूट है ना. उस अंकल ने मुझे दिया. पूरा बर्बाद कर दिया. मैंने तो सोचा था कि तुम्हें एक सरप्राइज दूंगा. मेरे प्यारे रवि, कितनी बार यही सेम सरप्राइज दोगे? कुछ अलग सरप्राइज दो ना मुझे. सच कहूं, मैं इस डरी हुई एक्टिंग से बोर हो चुकी हूं. तो फिर इतनी जोर से चिल्लाई क्यों? उससे मुझे शौक लगा और ये गिर गया. हाँ, तुम तो हिम्मत वाले हो ना. मेरे डरे हुए चेहरे का फोटो निकालकर उसे फ्रेम करके टांग दो. साइट पे बेचारे वर्कर्स को एक डराने वाला चेहरा भी मिल जाएगा. जो भी हो, मेरा लाया हुआ केक तो बर्बाद हो गया. बंद हुए बेकरी को खुलवा कर लाया था. एक बात कहूँ, मुझे क्या लगा ये फिल्मी मैगजीन के आर्टिकल्स के टाइटल्स के जैसा है. नीचे गिरकर बर्बाद हुए केक किया. अभी मेरा दिल टूटकर बर्बाद हो गया है. चलो जाने दो, अब सिर्फ 2 मिनट बाकी हैं. बहुत बड़ा प्लान बनाया था और अंधेरे में सारा सामान निकालने के लिए जो मेहनत करनी पड़ी. इसे पकड़ो. हैप्पी बर्थडे माय लव. झूम फूको. Thank you.
नहीं मेरे लिए नहीं, तुम्हारे लिए। रुको रुको, इसे मैं थोड़ा और टेस्टी बनाता हूँ। अम्मू हाँ, यहाँ क्या हो रहा है? इधर आज मम्मी का बर्थडे है ना, तो मम्मी केक काट रही थी। मुझे क्यों नहीं बुलाया? ओ, मुझे लगा कि अम्मू बेटी सो रही है, तो तुम सोई नहीं? नहीं। क्यों? मैं डॉल को सुला रही थी। तो डॉल सो गई क्या? आप लोग चिल्लाएंगे तो वो कैसे सोएगी? ओहो हो, हो, अगर ऐसी बात है तो हम डॉल को स्लीपिंग पिल्स देंगे। ये मम्मी क्या कर रही है? ओहो, जमीन पर गिरे हुए केक को उठा रही है। छी छी छी, जमीन पर गिरे हुए केक मत खाओ मम्मा, डर्टी गर्ल है। आओ इधर आओ, चाकू रख दो यहाँ पे। हाँ, चलो 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 ऊपर चलकर हम मम्मी के लिए बर्थडे सॉन्ग गाएंगे। चलो चलो चलो। हाय देवी। एमडी बहुत गुस्से में है। लेकिन मैंने किया क्या है? वही बात एमडी भी पूछ रहे हैं। एनीवे ही इज कॉलिंग यू। ओके। Somebody say something. इसका क्या सलूशन है? सर ये बहुत ही पेचीदा मामला है एक्चुअली। Really? मामला कितना पेचीदा हो मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। आई नीड अ सलूशन। सर गुड मॉर्निंग, मे आई? गुड मॉर्निंग, नॉट फॉर मी एट लीस्ट। मुझे ये जानना है कि तुम्हें कौन सी इंजीनियरिंग कॉलेज ने डिग्री दी है। सर वो क्या? Come on, complete the sentence. पता है तुमने क्या किया? ये वो 18 मंजिला बिल्डिंग है जो सर ने हमें बनाने को बोली थी। Do you remember? उनमें से एक बिल्डिंग का नाम है स्पेक्ट्रम कंस्ट्रक्शंस बाय हेवनली हाइट्स और दूसरी है मेट्रोपोलिस की बेल एक्ट टावर और बीच में अप्रोच रोड। What should be the width? Tell me, man. Come on, tell me, what should be the width? Sir, actually 12 मीटर होना चाहिए सर। और अभी अप्रोच रोड का विड्थ कितना है? 10 मीटर। What the hell is happening here? अब देखो सरकार ने स्टे ऑर्डर लगा दिया, अब इस 18 मंजिला बिल्डिंग का क्या करें? गिरा दे क्या? सर मैंने सोचा वो प्लॉट खरीदने से अपनी कंपनी को नुकसान होगा इसीलिए। लेकिन अब क्या करें, कंपनी लॉस में ना जाए इसलिए हम सब लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। वो काम हमें करने दो, तुम्हें जो काम दिया गया है वही करो। यू गेट दैट? कंपनी में सभी लोग जानते हैं, रवि सर को भी पता है सर। नो चांस, नो चांस एट ऑल। देवी। सर। रवि कहाँ है? वो अपने केबिन में है सर, एक क्लाइंट के साथ उनकी मीटिंग है। उसे बुलाओ। ओके सर। अप्रोच रोड 12 मीटर का होना चाहिए था लेकिन वो सिर्फ 10 मीटर का है। मैंने उसी वक्त सबको बोला था कि थोड़ी जमीन और ले लो, एंड आई बिलीव दैट द प्लॉट वॉज अवेलेबल टू, है ना? मेरा साइन किया हुआ स्टेटमेंट है ना तुम्हारे पास? देवी वो ब्लू प्रिंट देना। हियर, चेक द डेट, ये 3 साल पुराना है ना? उस दिन तुमने कहा था कि तुम्हारी पत्नी का कजिन मिनिस्टेरियल स्टाफ में है और वो ये काम अच्छी तरह से हैंडल कर लेगा, और उसे 12 को 10 मीटर बनाने के लिए हमने उसे मुंह मांगी रकम भी दी थी, ऊपर से कॉरपोरेशन के लोगों को अलग से पैसे पहुंचाए गए थे। What's happening here? रवि ऐसे डिसीजंस लेता कौन है? And you think you have a reason to continue here? Sir, I think I have a way out. लेकिन मुझे आपसे अकेले में बात करनी है। Please excuse us. आनंद, मैंने कहा सब लोग जाएं, दैट इंक्लूड्स यू टू। सो रवि, व्हाट्स द वे आउट नाउ? एक रास्ता है सर, ये थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स थॉट है और पैसे भी खर्च होंगे, लेकिन इन द लॉन्ग रन अपनी कंपनी को फायदा होगा। जब वल्लारपदम टर्मिनल आ जाएगा तब कोची विशाखापट्टनम पोर्ट से भी अच्छा हो जाएगा, शायद मुंबई पोर्ट से भी अच्छा हो सकता है। अपने प्रोजेक्ट के पीछे की साइड में यहाँ पर लगभग 11,000 स्क्वायर फीट की जगह है और इसके मालिक का नाम है शिव सुब्रमण्यम। हमें वो प्लॉट खरीदना पड़ेगा,
हमारी बिल्डिंग खड़े होने के बाद शिव को अपने इस प्लॉट में बिल्कुल एक्सेस नहीं है। अभी बड़ी मुश्किल से एक स्कूटर जा सकती है और अभी ये प्लॉट बहुत सस्ते दाम में मिलेगा। शिव के इस प्लॉट के ठीक अपोजिट साइड में ये लगून है और ये वाइपिन चराई रूट है। अगर यहाँ हम अपने पैसों से एक बढ़िया सा ब्रिज बना देंगे तो गवर्नमेंट भी हमसे नरमी से पेश आएगी। आगे क्या करना है आप अच्छी तरह से जानते हैं। हम गवर्नमेंट के आगे इस ब्रिज को एक बोनस की तरह पेश करेंगे और इस ब्रिज की वजह से हाईवे जाने की जरूरत नहीं है, त्रिचुर के लिए बिल्कुल शॉर्टकट हो जाएगा। इसकी वजह से हम 1/3 डिस्टेंस बचा सकते हैं और इसमें गवर्नमेंट भी हमारा साथ देगी। गुड, यू मेक अ ड्राफ्ट ASAP। डैड को बोलूंगा मिनिस्ट्री से बात करें एंड यू गो अहेड। लेकिन ये बात हमारे बीच में ही रहे, कई सीक्रेट्स लीक होते हैं वो भी कंपनी के अंदर से। मैं ये नहीं कह सकता कि यहां से बाहर जाने वालों में कोई इसे लीक कर रहा है, बट व्हाई टेक चांसेस। इस ब्रिज के कंस्ट्रक्शन शुरू होने तक ये बात हमारे बीच में ही होनी चाहिए। यू नो रवि, इस प्रॉब्लम का कोई सलूशन होगा भी या नहीं, मुझे इस बात का डर था कि डैड मेरा मजाक उड़ाएंगे कि ब्रिटेन यूनिवर्सिटी के टॉपर ने ऐसी बेवकूफी भरा काम कैसे किया। तुमने मुझे बचा लिया, यू सेव मी मैन। दैट्स माय जॉब सर। थैंक यू। इसे कंप्लीट करने के बाद ही आप जा सकते हैं। ओके। पारू जरा फोन उठाना। हेलो, तुम्हारा हस्बैंड है क्या उधर? हाँ है ना, मैं देती हूँ फोन। मेरी बात सुनो, हमारी बातें उसकी समझ में जल्दी नहीं आती हैं। उससे कहो कि दूसरों को तकलीफ देना बंद कर दे। वो स्मार्ट बनना अच्छी बात नहीं होती। अगर हद से ज्यादा बढ़ने की कोशिश की ना उसने तो अपनी जान खो बैठेगा वो। कुछ दिनों से ये कॉल्स बंद थे, अब फिर से शुरू हो गए। कैसे कॉल्स? धमकी के फोन कॉल्स। हाथ काट देंगे, पैर काट देंगे, मार डालेंगे। कभी कभी तो मुझे शक होता है कि पैसे देकर तुम ही ये कॉल्स करवाते हो। मैं ऐसा क्यों करूं? मेरे सामने शो ऑफ करने के लिए, ताकि तुम्हारी इमेज मेरे सामने थोड़ी हाई हो जाए। इस धरती पर सिर्फ एक औरत जाति ऐसी होती है जो इस तरह सोच सकती है। सिर्फ मैं ही नहीं, पद्मश्री कर्नल भरत मोहन लाल जी ने भी कहा था कि आर्मी और बाकी के फोर्सेस में और औरतों की जरूरत है। ऐसा कुटिल दिमाग औरत का ही हो सकता है। अमू, चलो बेटा जल्दी से दूध पिलो, तभी तो तुम एक बिग गर्ल बनोगी। चलो पिलो। अगर मैं बिग गर्ल बनूंगी तो स्कूल नहीं जाना पड़ेगा ना? नहीं जाना पड़ेगा, हम कॉलेज जाएंगे। हे नैंसी, अकेली आई हो? हाँ, आओ। बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। ओह थैंक यू। तुम कब आई? मैं कल आई। इस गिफ्ट का राज क्या है? अरे हाँ, आने वाले हफ्ते में तुम्हारी बर्थडे में ऐसा ही गिफ्ट तो इसलिए लाई हूँ ना, मैं याद रखूंगी। चलो तुम मत देना, अपने पति की कमाई पूरी सेव मत करना, थोड़ा बहुत खर्चा भी किया करो। ओह अम्मू भी है? आई एम सॉरी, मैंने देखा नहीं। नैंसी आंटी, यू हैव पुट ऑन वेट। तो तेरी मम्मी जीरो साइज की है क्या? चुप कर। हाँ, तुम कब आई? बस अभी आई। लगता है नैंसी थोड़ी मोटी हो गई है। हाँ हाँ, हम भी अभी यही बात कर रहे थे, तुम्हारी बेटी ने यही कॉम्प्लीमेंट दिया इसे। अम्मू एक्चुअली तुम्हें कंपेयर करके कह रही थी, क्योंकि हम दोनों की फोटो फ्रेम में बैलेंस होनी चाहिए। नैंसी तुम इसे कोई अच्छा सा डाइट बताओ यार। देखो मेरे पेट, गाल और पूरे शरीर में कितनी चर्बी है, इसे देखकर लोग कहेंगे कि मैं ही इसे भूखा मार रहा हूँ। तुम तो दुबला होना नहीं चाहते थे, लगता है आप किसी से वादा किया है। हाय मेरी डार्लिंग, मेरे लिए तो तुम मोटापा कम कर रही हो ना। कल तुम लोगों की किटी पार्टी है ना, कल इसे मैं पूरी तरह से फ्री कर दूंगा। इस पर माँ और पत्नी की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। कॉलेज में पढ़ते समय इसका नाम क्या था? साइज जीरो। कल इसे अपना फ्रीडम एंजॉय करने दो, मेरी एकलौती पत्नी को। सो टेक केयर, मैं फोन करता हूँ। अम्मू बेटी, पापा की तरह फ्लैट बना रही हो? नहीं, घर बना रही हूँ। यू आर रियली लकी टू हैव अ हस्बैंड लाइक हिम। थैंक यू। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। हाँ शाम, मरिया तुम दोनों ऑफिस टाइम में इश्क लड़ा रहे हो, कैरी ऑन। एंथनी। हाय रवि। जेम्स सर एक कॉफी। हाँ बोलो। कुछ नहीं, कल एक नए प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग है। यस। मरीन मिराज, हमारी कंपनी का सबसे महंगा प्रोजेक्ट। 2 साल पहले मैंने बहुत मेहनत की, एक्चुअली ये मेरा शुरू से ही ड्रीम प्रोजेक्ट था, लेकिन प्रोजेक्ट शुरू होते ही मैं इससे आउट हो गया और तुम्हें प्रोजेक्ट का लीडर बना दिया गया। ज्वाइन करते ही तुमने बॉस को काबू में कर लिया और अब उसके बेटे को भी।
वेरी गुड। ये तुम कैसी बात कर रहे हो एंथनी? वैसे भी मरायन मिराज में मेरा कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है। कंपनी मुझे काम देती है और मैं करता हूँ, बस इतना ही। तुम्हें उसमें इतना इंटरेस्ट है ये मैं नहीं जानता था, तुमने बताया भी नहीं। एक काम करते हैं, कल की मीटिंग के बाद मैं एमडी से तुम्हारे लिए प्रोजेक्ट लीडर की अपील करूँगा। ट्रस्ट मी मैन, आई एम नॉट ब्लफिंग, मैं बात करूँगा उनसे। सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने। क्यों मेरे बच्चे, तुम सब तो पूरी तरह हार गए। मैं जीत गया, मैं हार मान चुका हूँ। ये जब भी खेलता है मैं हार जाता हूँ। तुम लोगों को खेलना है तो खेलो, मैं जाता हूँ। अरे क्या जाने की बात कर रहे हो, थोड़ी देर रुक जाओ, एक पैक का मैंने ऑर्डर दिया है, पीने के बाद ही जाना। अरे नहीं, मुझे नहीं चाहिए। दूसरा अटैक आने के बाद से मेरी बीवी बहुत स्ट्रिक्ट हो गई है। मैं घर जाके सो भी जाऊँ ना, फिर भी वो मुझे उठा के दवाई पिलाती है। ओह, एक और पैक मारोगे तो तुम मर नहीं जाओगे, बुरे आदमी का अच्छे से ख्याल रखा जाता है। चुप बदमाश कहीं का। भाई भाई अच्छा खेलते हैं, लेकिन इसे देखो, इसके साथ जब खेलने बैठो तो थोड़ा ध्यान देना, समझ गए? आप क्या कह रहे हैं डेविस भाई, ये तो सिर्फ खेल है, मेरा वक्त अच्छा है इसलिए मैं जीत रहा हूँ, और कुछ नहीं। हाँ तुम्हारा टाइम तो बेस्ट टाइम है यार, वो चाहे खेल में हो या बिजनेस में हो। अपना ब्लू स्टार गोविंद का 70 सेंट है जो ग्रो पार्क के पास है, उसे जब तुमने 50 रुपया ज्यादा में बेचा था तब मेरा 20 रुपये का नुकसान हुआ था, वो पूरे 20 लाख हुए। मुझे वो एडवांस तो वापस मिल गया, लेकिन मामला उतना अच्छा नहीं था, समझे? और तुम हमेशा टाइम टाइम करते रहते हो, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब वही टाइम गलत होने लगता है तो किंग भी जोकर बन जाता है। जोकर बनने से अच्छा है कि आप किंग ही बने रहिए, अगर उसमें आपका कोई नुकसान हुआ है तो हम उसे ठीक कर सकते हैं। किस लिए? उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आज तक मैंने जो भी कमाया है अपनी मेहनत से कमाया है, खुद के दम पर यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ, समझे? अपने बाप से भी कभी हेल्प नहीं लिया मैंने, कैसा लगा? जो भी मैंने खोया था उसे वापस कमाना चाहता था, यही सोचकर त्रिचूर से बस पर चढ़ गया। क्या रवि, तुम्हारी तो अच्छी खासी नौकरी है, काफ़ी नहीं है क्या? ये रियल इस्टेट का बिजनेस करने के लिए यहाँ पर बहुत लोग हैं। डेविस भाई, मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ, और वो आपके बताए हुए काटूर करण पत्रस की वजह से नहीं है। शुरुआत में मैं यहाँ एक कमरे के घर में ही रहता था, और उसमें कुछ त्रिचुर की भाषा के कॉमेडियंस रहते थे, और आपने मेरी ज़िंदगी की कठिनाइयाँ काफ़ी हद तक कम कर दी थी, और वो मेरे लिए कोई छोटी बात नहीं थी। आपसे मिला हुआ वो प्यार और आपका एहसान मैं अभी तक अपनी ज़िंदगी में कभी भूला नहीं हूँ और ना भूल सकता हूँ। और अब रही बात मेरे रियल इस्टेट बिजनेस की, तो मेरी एक बेटी है, ये बात तो आप अच्छे से जानते हैं। हमारे बाप ने हमें कुछ नहीं दिया, तो कम से कम उसे मिलने दो। तुम्हारा ये अंदाज मुझे पसंद आया, अगर ये धीरे से बोला जाए तो मामला काफ़ी खोटा हो सकता है। अब तुम लोग इंजॉय करो, तुम्हें तो पता ही है डेविस से पंगा लेना खतरनाक हो सकता है। तुम्हें एक छोटे से बॉम्ब की ज़रूरत है जिसे मैंने बहुत संभाल कर रखा हुआ है। डेविस भाई, आपको पता है कि वो हमारे सामने बैठकर गाना गा रहा है, जब दो पेग मारकर होशो हवास खोता है तो कोंकणी भाषा में गाली देता है, और वो गाली आप बिल्कुल सह नहीं पाओगे। मैंने सही कहा ना? You said it. आप आराम से उसके साथ बैठकर डिस्कशन कीजिए, मैं चलता हूँ, कल मिलते हैं। हाँ ठीक है, चलो एंथनी। नवीन सर। यार अभी वन मिनट, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये एक सजेशन है हमारे इस प्रोजेक्ट में एक और लीड के लिए। उसमें और किसे इंटरेस्ट है? उसमें एंथनी को इंटरेस्ट है, मुझे लगता है वो मुझसे अच्छा काम कर सकता है। मरीन स्ट्रक्चर्स और डिजाइन में इसको बहुत ही दिलचस्पी है। नो वाई सर, मैं चाहता हूँ इसे तुम ही लीड करो, मैं रिस्क नहीं ले सकता। डैड तुमको जब कोई काम सौंपते हैं तो मुझे लगता है कुछ सोच के ही देते हैं। गुड डे। एंथनी, मुझसे जो हो सकता था मैंने किया। तुमने सिर्फ नाटक किया, और उसमें तुम माहिर हो। गुड मॉर्निंग सर।
मॉर्निंग आनंद। नहीं मुझे ठीक से रास्ता पता नहीं है, लेकिन परवाह नहीं, मैं आपको आते समय कॉल करता हूँ। मैं दोपहर तक वहाँ पहुँच जाऊँगा। ओके सर। पारू, नवीन के पिताजी श्री कृष्णमूर्ति सर हमारे चेयरमैन हैं। मुझ जैसे रीजनल हेड को अगर वो अपने गेस्ट हाउस में आने के लिए कह रहे हैं, इट मीन समथिंग बिग। शायद मुझे एक दिन के लिए वहाँ रुकना पड़ेगा और उस ब्राह्मण के साथ मिलकर थोड़ा पीना पड़ेगा और उनकी बातें भी सुननी पड़ेंगी। फिर वो शुरू से अपना करियर बताएंगे और साउथ इंडिया में वो कैसे इतने बड़े बिल्डर बने, फिर हाजी मस्तान की भी कहानी सुनाएंगे, सुननी पड़ेगी। शायद हो सकता है कि कल सुबह मैं रवि अब्राहम एट्रियम स्ट्रक्चर्स का वाइस प्रेसिडेंट बन जाऊं। रियली ग्रेट। तो तुम्हें कल किसी भी तरह जाना होगा। अगर ऐसी बात है तो मैं कल की अपनी किटी पार्टी कैंसिल कर देती हूँ। मैं अम्मू के साथ घर पर ही रहूंगी। नो वे, तुम नैन्सी के साथ सब प्लान कर चुकी हो, मुझे उतना भी बेवकूफ मत समझो। एक काम करो, तुम्हारी तबीयत खराब थी, अमू को देखने का औरत आती थी, उसका नाम क्या था? सिसिली। हाँ, उसे बुला लो। उसके साथ अमू रह सकती है। हाँ, अगर ऐसी बात है तो जाते वक्त मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। ओके, मैं उसे फोन करती हूँ। ओके। संस्था से हो ना? मैं बेट्रिस हूँ। सिसिली को टेस्ट के लिए जाना था, इसलिए मैं आई हूँ। आओ। आने में थोड़ी देर हुई, बहुत ट्रैफिक था ना? कोई बात नहीं, मैं बस तैयारी ही कर रही थी। बच्ची कहाँ है? अमू, ये रही। छोटी, तुम्हारा नाम क्या है? छोटी नहीं हूँ, अमिता सुजन अब्राहम। हाय, ये तो बहुत अच्छा है। हाँ, तो तैयार हो गए? और नहीं तो क्या, तुम्हें लिपस्टिक और बिंदी लगानी पड़ती है, मुझे तो सिर्फ एक एक्स्ट्रा अंडरवियर चाहिए। छी, गंदे आदमी, तुम्हें इस ऑफिस में नौकरी किसने दी थी? अच्छा सुनो, सिसिली नहीं आई है, उसके बदले एक नई लड़की आई है, नाम है बियाट्रिस। बियाट्रिस? उस नाम में कुछ गड़बड़ लग रही है। छी, नहीं है। बियाट्रिस, जो भी हो। मैं तुम्हें एक पप्पी दूं? इसे लंच करवा देना, बहुत परेशान करेगी। अमू बेटी, कल तुम्हारी मम्मी कह रही थी ना कि मैं बहुत मोटा हूँ। मोटा हूँ? नहीं, पापा परफेक्ट हैं। लो, सुन लो। ये तो यही कहेगी ना, पता है इसके हीरोज कौन है? WWF के मोटे मोटे लोग। मोटे मोटे लोग नहीं, मेरा हीरो केन है। तुमने बिगाड़ा है इसे। चलो, पापा को एक पपी दो। ओके? ओके। बियाट्रिस, तुम जानती हो ना, पार्वती पार्टी के लिए जा रही है, वो भले जितनी भी लेट आए, उसके आने के बाद ही तुम जाना। आप बेफिक्र रहिए। पारू, मैंने मोबाइल का चार्जर गाड़ी में रखा था। तुम्हें याद नहीं था, लेकिन मैंने रख दिया है। तुम नहीं होती तो पता नहीं क्या होता। ये कई बार सुन चुकी हूँ, चलो गाड़ी में बैठो। तारीफ कर रहा हूँ लेकिन सुनना नहीं चाहती। चलो जाने दो। बाय बेटा। बाय, लव यू। बाय। वो बियाट्रिस के साथ रह लेगी ना? हाँ। कल मैं जो वीपी पोस्ट के बारे में बता रहा था, शायद वो पोस्ट मुझे मिल सकती है, लेकिन अगर हेड ऑफ ऑपरेशंस बन जाता हूँ तो मुझे 80% हाइक मिलेगा। याद है हमने मरीन ड्राइव पर एक फ्लैट देखा था जिसके बालकनी समंदर की तरफ खुलती थी, और तुम्हें भी वो फ्लैट पसंद था, वही खरीदना है। क्या बात है, तुम्हें अभी भी वो याद है? मैं तो मजाक कर रही थी, सच कह रही हूँ। जरा सोचो, मजाक के बिना ये जिंदगी कैसी होगी। अच्छा, तुम उस अजयन को जानती हो, वो आर्किटेक्ट? अभी वो वहाँ का मार्केटिंग हेड है, विल गेट अ गुड डील। मेरी गाड़ी खराब हो गई है, आप मुझे लिफ्ट दे सकते हैं क्या? बैठ जाइए। थैंक्स।
सिटी सेंटर जा रहा हूँ, अभी मैं रिलैक्स हूँ। स्पीड पर्सनल सर्विस में मेरी अपॉइंटमेंट है और आज के दिन ही गाड़ी भी खराब होनी थी। सच बात बताओ, मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है। अब आपका नाम क्या है? रवि, रवि इब्राहिम। ये आपकी बीवी होंगी है ना? जी हाँ, पार्वती। मतलब आप दोनों की इंटरकास्ट मैरिज हुई है? हाँ सही कहा। आप क्या करते हैं? नौकरी करते हैं? एट्रियम में काम करता हूँ। हाँ वो 20 मंजिला है ना? नहीं 21 मंजिला। हाँ 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 वही, मैं वहाँ जा चुका हूँ। ऐसे मुझे वहाँ जाना नहीं था, बस इत्तेफाक ऐसा हो गया कि जाना पड़ा। एक्चुअली मुझे बहुत जोरों की एक शंका लग गई थी। कैसी शंका? लघु शंका। हाँ वहाँ मेरा एक दोस्त काम करता था, उसके थर्ड फ्लोर पे, प्राइम फोकस में। हाँ 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 प्राइम फोकस में। मुझे उस दिन बहुत खुशी हुई, उसके ऑफिस में जाके मैंने अपना पूरा टैंक खाली कर दिया। ये कौन सी गाड़ी है? फॉर्च्यूनर। हाँ मुझे किसी ने कैसी ही गाड़ी के बारे में बताया था, लेकिन वो ये नहीं थी, CRV थी, 2005 मॉडल। वैसे तो वो 12 लाख रुपए मांग रहा था, फिर मैंने सोचा 2005 मॉडल 12 लाख तो सस्ता है। हाँ इसीलिए मैंने बैंक में लोन के लिए अप्लाई किया है, मिल गया तो ले लूँगा। और आपकी गाड़ी? पुरानी है, 98 मॉडल, अभी कुछ दिनों से प्रॉब्लम देने लगी है, पता नहीं क्यों हम दोनों की बनती नहीं है ज़्यादा। हंसी मत, एक इंसान का दूसरे इंसान से रिश्ता बनता है। हमें ही देख लीजिए, मुझे गाड़ी में बैठे कुछ देर ही हुए हैं, लेकिन हम कितने करीब आ गए। गाड़ी के साथ भी ऐसा ही होता है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी शादी हुए 20 सालों से भी ज्यादा हो गए हैं, लेकिन आपस में एक दूसरे की बनती ही नहीं है। गाड़ी के साथ भी कुछ ऐसा ही रिश्ता होता है, हमेशा प्रॉब्लम देती है, और तो और वो पेट्रोल भी बहुत पीती है, परेशान करती है। हे लेफ्ट में नहीं, राइट में टर्न करो। सिटी सेंटर जाना है ना, वो लेफ्ट में है। नहीं नहीं वो राइट में है। नहीं सर मैं सही जा रहा हूँ। आप राइट में टर्न कीजिए ना, ये सही रास्ता है, मुझे पता है। राइट में टर्न कर बे। क्या कहा? सॉरी राइट। गाड़ी चला, अगर ट्रिगर दबाया ना तो लास्ट में बदल जाएगा। अब ये गाड़ी तभी रोकना जब मैं बोलूंगा। आपको क्या चाहिए हमसे? मुझे जो चाहिए था वो मिल गया है अब्राहम। डोंट कॉल मी अब्राहम। क्यों ना बुलाऊं? तेरे बाप का नाम अब्राहम नहीं था? व्हाट द हेल यू वर्दा? हाँ ये कॉल सिर्फ तुम्हारे लिए है। ए, मुझे स्मार्टनेस पसंद है, लेकिन जब मुझे चाहिए तब। हाँ अम्मा, उस तरफ तुम्हारी बेटी तुम्हारी आवाज सुनने के लिए तरस रही है, बात करो। हेलो बेटी अम्मू, आई ओके? कुछ नहीं बेटी, मम्मी नैन्सी आंटी के घर पहुंच गई है ना, जल्दी ही आ जाएंगी। तुम आंटी की हर बात सुनना ठीक है? ओके बच्चा। तुम्हें सुन के तो मैं भी इमोशनल हो गया पार्वती। मुझे मेरी बेटी से बात करनी है। आई वॉन्ट टू टॉक टू हर। कोई भी आदमी जिंदगी भर स्मार्ट नहीं हो सकता। तुम्हारी बेटी को संभालने के लिए जिसे भेजा है वो बच्चों को संभालने में एक्सपर्ट है। ओके आपको क्या चाहिए, कितना चाहिए? कितना तुम्हारे पास कितना है? लगभग 30 से 35 लाख। नहीं तुम्हारे पास 77,334 रुपए है, सही कह रहा हूं ना? बिल्कुल एग्जैक्ट। आपस का हिसाब हमेशा ठीक होना चाहिए ना अब्राहम। दोनों अपने मोबाइल मुझे दे दो।
दोनों टैप्ड हैं, फिर भी ले रहा हूँ। पार्वती तुम जाओ, ये हमारा जॉइंट अकाउंट है, पैसे विड्रॉ करने के लिए मेरा सिग्नेचर लगेगा। ओह दैट्स ग्रेट। आदर्श पति पत्नी, इस जमाने में जब कोई किसी पे विश्वास नहीं करता है, तुम दोनों का जॉइंट अकाउंट है। एक बात याद रखना, हम वहाँ वेट कर रही है तुम दोनों का, अगर मेरा फोन गया तो खेल खत्म। अमू बहुत प्यारी बच्ची है ना पार्वती? पार्वती मैडम, ये बात रवि को याद दिलाना। कौन है? हमें उस बियाट्रिस के बारे में चेक करना चाहिए। लेकिन हम तो हमेशा उसी संस्था से बुला रहे हैं। मैंने तुमसे पूछा भी था, उसका अप्रोच बहुत ही नेगेटिव था। रवि, हम एक मोबाइल खरीदते हैं। किस लिए? हम पुलिस को कॉल करते हैं। पुलिस को बुलाएंगे? पारू, अमू उसके कब्जे में है, इसके पीछे और कितने लोग हैं हमें कैसे पता चलेगा? पुलिस भी क्या कर सकती है, अगर पुलिस उसे अरेस्ट कर भी लेगी तो अमू वापस मिल जाएगी, इसकी क्या गारंटी? वी हैव टू ओबे हिम। चलो। हेलो, हेलो, लीजिए इसमें 1000 के नोट्स हैं। ओके, मेरा नाम है रवि इब्राहिम, 555-7744। मैम, मैंने चेक नहीं लाया है। कैश विड्रॉ के लिए वाउचर मिलेगा? पेन प्लीज। देखिए, मेरी अकाउंट में हाँ कुछ प्रॉब्लम है, ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है। आप एक बार, हाँ मुझे फॉर्म चाहिए, आई थिंक उसको लिंक कराना पड़ेगा। हाँ, काफ़ी पुराना अकाउंट है। हाँ ठीक है, मैं आपको सारे डिटेल्स दे दूँगा। और कोई डॉक्यूमेंट? हाँ, पैन कार्ड भी है मेरे पास। क्यों सर, आप अकाउंट क्लोज करने वाले हैं? अकाउंट क्लोज नहीं कर रहे हैं, लेकिन पूरा कैश विड्रॉ कर रहे हैं। सर, मुझे हमारे मैनेजर से कंसल्ट करना होगा। लेकिन क्यों, मुझे आपके बैंक से मेरा पैसा निकालने के लिए अंदर बैठे हुए आपके मैनेजर से आपको कंसल्ट करना होगा? यही है आपकी एडवर्टाइज की हुई 1 मिनट बैंकिंग? इससे जल्दी तो साहूकार से पैसे मिल जाते हैं। आई वॉन्ट माई मनी, आई वॉन्ट इट नाउ। रवि, डोंट मेक अ सीन। देखो, सब लोग तुम्हें ही देख रहे हैं। एक काम करो, तुम जाकर गाड़ी में बैठो, मैं यहाँ सब हैंडल कर लूंगी। पारू, ये लोग बेकार में। जस्ट थिंक ऑफ अमू, जा। सॉरी रवि, बहुत टेंशन में है। कैन यू प्लीज मेक इट फास्ट, मैं यहीं वेट करती हूँ। तुम्हारी बेटी ड्राइंग बहुत अच्छा करती है, नाइस पिक। जब हमारे अपने मुसीबत में होते हैं तो तब हम अपने आप से हार जाते हैं, और यहाँ भी ऐसा ही कुछ है। अब तो हमें अमू वापस कर दो, इसमें पूरे पैसे हैं। इसे गिनने की जरूरत है? जरूरत नहीं है, आपने जितना मांगा था पूरा है। पूरे 77,334 रुपए, नॉट बैड। ये मेरी आज की कमाई है। नाउ गिव मी योर कैश एंड कार्ड। गिव मी योर कैश एंड कार्ड। गाड़ी रोकी तो गोली मार दूंगा। गाड़ी चलाओ, चलाओ। इतना पैसा एक साथ देखा तो मुझे इरिटेशन होने लगी। अभी मैं रिलैक्स्ड हूं। कॉल करो और उनसे कहो कि तुम लेट आओगे। हेलो।
हेलो सर, मैं रवि बोल रहा हूँ। नहीं मैं आऊँगा लेकिन थोड़ा लेट, पार्वती की तबीयत खराब है, नई जगह में नहीं जानता, पास पहुँच के कॉल करता हूँ। थैंक यू सर। अब पार्वती तुम फोन करो, तुम्हें फोन करना चाहिए क्योंकि वो लोग तुम्हारा वेट कर रहे होंगे। अपने किटी पार्टी के दोस्तों के साथ विश्वासघात नहीं करते। हेलो नैन्सी, मुझे नहीं लगता मैं आ जा पाऊंगी, वो मैं बाद में बताऊंगी, मैं कॉल करूंगी। ओके यू कैरी ऑन। तुम लोगों को कितना टाइम हुआ अंदाजा है क्या? भूख नहीं लगी है? यहाँ पास में ही एक अच्छा होटल है, अब हम लोग वहाँ जाएंगे। अब गाड़ी आगे नहीं जाएगी, हम यहीं रुकेंगे। इस झोपड़पट्टी के पास एक होटल है, यहाँ इस तरफ से चलो। ये जगह और यहाँ की जिंदगी तुम्हारे जैसे लोगों के लायक नहीं है। तुमने कल खाया था क्या आइसक्रीम? भाई सब वो 2 किलो दे दीजिए। आइए सर, अंदर बैठिए, ऑर्डर कर दीजिए। ए साहब का टेबल साफ करो। हाँ, कितने नंबर का ऑर्डर है? वहाँ जाओ। हाँ ठीक है। क्या लाऊं जनाब? हाँ क्या है साहब, आप बताइए ना क्या खाना है आपको। बकरे का सर है क्या? क्या कहा साहब? बकरे का सर? वो साहब क्या है कि पोर्क्यूपाइन है। इसीलिए मैंने पूछा कि क्या है ताकि हम ऑर्डर। साहब मच्छी में बहुत वैरायटी है हमारे पास, सुरमई, बांगड़ा, आप कहिए क्या लाऊं। 5 मिनट दो, बताता हूँ। हाँ ठीक है। तो तुम लोग जाओगे नहीं? कहाँ जाए, पैसे नहीं चाहिए क्या? जो भी था वो तो मैंने जला दिया, मेरे पास तो पहले से ही पैसे नहीं थे, यहाँ का बिल भी तो देना है, और तुम्हें यहाँ से भागना भी तो है, वो भी बहुत दूर सफ़र करना है, गाड़ी में डीजल भरवाना है, और रास्ते में भूख लगी तो खाना होगा, इसके लिए तो पैसे चाहिए। इनफ इज़ इनफ, बताओ आखिर क्या चाहते हो हमसे, और हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? जवाब दो मेरे सवालों का। एक बात कहूँ पार्वती, मैं जो भी कहूँगा वो तुम लोग करोगे नहीं, अब तुम ही बताओ, आजकल मर्द लोग कोई अच्छा फैसला ले ही नहीं पाते। रवि प्लीज लेट्स डू इट, कम से कम हमारी अम्मू के लिए। हमारी बेटी तुम्हारे पास है, नहीं तो मैं कुछ नहीं कर पाओगे। जिसके पास खोने के लिए कुछ ना हो और जिसके पास खोने के लिए बहुत कुछ हो, उसे पंगा मत लेना, वो क्या कर बैठेगा उसे खुद को पता नहीं होता। तुम्हारे पास आधे घंटे का टाइम है, अगर तुम लोग पैसे लेके नहीं आ पाए तो अमू की शक्ल तुम लोग कभी नहीं देख पाओगे। होम डिलीवरी करवाऊंगा उसकी लाश की। हम लोग जा कहाँ रहे हैं? उधर देखते हैं। हम अगर किसी को बुला लें तो अच्छा होगा। लेकिन हम कॉल कैसे करेंगे? सारे नंबर्स तो मोबाइल में हैं और कोई भी नंबर मुझे अच्छे से याद नहीं है, ऑफिस नंबर भी नहीं। अगर नंबर याद है भी तो किसे बुलाऊंगा और किस पर विश्वास करूंगा? और किसी को आने के लिए कहेंगे भी तो इस जगह पर वो भला क्यों आएगा? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम ये वॉच गिरवी रखते हैं। यहाँ पर साहूकार कौन है? हमें नहीं पता भाई,
सर ये साहूकार हमें कहाँ मिलेगा? तुम्हें गिरवी क्या रखनी है? ये वॉच। वॉच गिरवी रखनी है? तुम दूसरे को बेवकूफ समझते हो क्या? तुम्हें अपने कपड़े भी गिरवी रखनी है? सुनो, उधर सामने एक टकला आदमी बैठा होगा, हकीम सेठ, वो विदेशियों की चड्डी भी गिरवी रखता है, उससे जाकर मिल लो, आगे से दूसरा राइट है। भाई हकीम सेठ, पास में गाने की शूटिंग चल रही है ना, शायद वही देखने को गए हैं। क्या शांति, कैसे नाच रही हो? तुमने पूरा मास्क कर दिया, इस तरफ जाओ, फिर से करते हैं। ओके सर। चलो रेडी, स्टार्ट साउंड, कैमरा, 1 2। वो गाड़ी बहुत पुराना, लेकिन उतना पुराना भी नहीं, कुछ लोग पहले इसे बिगल गाड़ी भी कहते थे। फिर 1998 में अपना रमीज रहमान, आप जानते हो ना, जो कंप्यूटर बिजनेस में था, बीटेक था, जब वो सिंगापुर गया था तब उसे पता चला कि इसे बोगारी कहते हैं, अब इसका दूसरा नाम है बोगारी हो गया। मुझे ये गिरवी रखनी है। ये तुम क्या बात कर रहे हो भाई, आज के जमाने में कोई घड़ी गिरवी रखता है क्या? हाँ सीको रिको होता तो उस जमाने में रखते थे। ये ओरिजिनल है। आजकल इस हकीम सेठ का भी डुप्लीकेट बन जाता है, मेड इन बेपुर। और तुम इस घड़ी की बात करते हो, सोना होता या कुछ और होता तो ऐसे इस तरह मेरे हाथ में रखते ही मेरे नस मुझे बता देते, बेटा हकीम इसे गिरवी रख ले, ये ओरिजिनल है, नहीं तो कहते देखो हकीम मतलब ये डुप्लीकेट है। और एक बात सुनो, यहाँ त्रिचूर में एक अब्दुल करीम हाजी नाम के आदमी थे, घड़ी बनाने का काम सिखाने के लिए वो अपने साथ कुछ सोनार को लेकर मलेशिया गए। हमारे यहाँ की बड़ी बड़ी कंपनियों की घड़ियों का डुप्लीकेट वहाँ पर बनाकर बेचते थे, अपने यहाँ व्यापारी बनकर आते थे और घड़ियों को देखते थे, और वहाँ जाकर लड़कों से उन्हीं घड़ियों का डुप्लीकेट बनवाते और फिर यहाँ आकर इसी मार्केट में उन घड़ियों को बेच देते थे। ठीक है, इसके कितने पैसे देंगे आप? मैं इसका 6,000 रुपये दे सकता हूँ। 6,000 रुपये? इसकी कीमत तो 1,00,000 है। इसकी कीमत के बारे में मुझे मत बताओ, पुराना होने के बाद इसकी कीमत कुछ नहीं रह जाती। मेरे पास तो इससे भी महंगी घड़ियां हैं, देखना चाहते हो? इसके एक से बढ़कर एक मॉडल्स हैं। लेकिन 6,000 तो बहुत ही कम है। इसका गारंटी कार्ड नहीं है, बॉक्स भी नहीं है, और तो और इसका कवर भी नहीं है, फिर भी ज्यादा दाम मांग रहे हो, 6,000 बहुत है, ले लो। ठीक है 6,000 ही दे दीजिए। ये लो, ये तुम्हारी पहली डील थी इसलिए मैंने इतना चेक किया। सुनो, तुम्हारे पास कुछ और भी होगा तो मैं ले लूंगा, यहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनियों के और भी बहुत मशहूर आइटम मिलते हैं, वो भी लेकर कभी आ जाना, उसका दाम एडजस्ट कर लूंगा। मैं तुम्हारे लिए चाय बोलूं? नहीं नहीं, हमें टीपू सुल्तान होटल जाने का रास्ता बताएंगे? टीपू सुल्तान होटल तो पास में ही है, इस साइड से जाकर पश्चिम में सीधे चले जाना। ठीक है चलो। ये ओरिजिनल लगता है। हमीद तुम जाओ। ठीक है भाई। वो बिल उन्हें दे दो। 2,300 रुपये हो गए, ये किसके लिए? कुछ लोग भूखे हैं, वो बाहर इंतजार कर रहे हैं। सर आपने पूछा था बकरे का सर मिलता है, पहले बनाता था सर, अब सर यहाँ पर ये सब कोई खाता नहीं, इसलिए बनाना छोड़ दिया सर। हाँ पता है मुझे। Let's go.
पार्वती तुम ही रुको। इसमें एड्रेस है, तुम इसे ले जाके वहां दे दो। क्यों नहीं जाओगे? मैं जाऊं? हाँ, छोटा सा काम है, नहीं करोगे? तुम ये काम करोगे, मैं जानता हूं तुम अम्मू से प्यार करती हो ना। ये क्या है? ये अशियंकर अच्युम्मन के घर पहुंचाना है, तो तुम जा रही हो ना? ये जो कहता है वो मैं करूंगी, मैं जाकर देकर आती हूँ, ठीक है? बस एक फोन करने की देरी है, मुझे वहां पता होना चाहिए कि तुम वहां पहुंच चुकी हो। कोई भी चलाकी मत करना। हे छोटे भाई। तुम्हारी बेटी की जान मेरे हाथों में है, ये मत भूलना। तुम सोच समझ के बोलो। क्या छोटे भाई, शराब पीने जा रहे हो क्या? नहीं, ऑफिशियल काम है। आप यहाँ कैसे भैया? अरे मैं इधर पास में, सॉरी, मैं इसका बड़ा भाई हूँ, कल्याण कृष्ण। वो गांव से हमारी बुआ आई है, अरे हमारे पिताजी की सिस्टर। तो मामा ने कॉल करके कहा कि मैं उनसे जाकर मिल लूं, और उनके लिए खाने पीने का सामान भी भेज दिया है। ये तुम्हारा फ्रेंड है ना? रवि, रवि अब्राहम। तुम क्रिश्चियन हो? अपने कनम्मा के भाई जैसा दिखता है, वही शर्ट, वही पैंट, वही शूज, बस शक्ल थोड़ी सी अलग है। ओके ओके, बुरा मत मानना भाई, मैं सबके साथ जल्दी घुल मिल जाता हूँ। कृष्णा भैया, हम लोग थोड़ा बिजी हैं। छोटे भाई मैं भी बिजी हूँ, दोनों दोस्त वीकेंड में पार्टी करने जा रहे हो, वो भी पीने के लिए। आप भी चलेंगे? अरे क्यों नहीं, बहुत देर से मैं ऑटो के लिए खड़ा था, एक ने भी नहीं रोका। मुझे किसी को जीवन रक्षा पॉलिसी देनी है। तुम लोग सीधा जा रहे हो क्या? नहीं, हम लोग जा रहे हैं, आपको ड्रॉप कर देंगे। नहीं भैया, आप जाइए ना। अरे चुप कर छोटे भाई, तुम्हारा दोस्त जब मुझे प्यार से बुला रहा है, फ्री में लिफ्ट दे रहा है, तो मैं क्यों मना करूं? चलो यहां बैठे, पीछे पीछे। अच्छा पीछे बैठ जाऊं? ओके। बड़ी पुरानी गाड़ी है, लगता है उन्हें लिफ्ट देकर तुम बहुत खुश हो रहे हो। ऊपर वाले की कृपा है कि अंदर बैठा हुआ आदमी खुद चलकर मेरे पास आ गया। मैं भी थोड़ा खेल कर देख लेता हूँ। ठीक है, तुम भी खेल के देख लो। ये लो खाओ, ये चावल से बना हुआ है, तुम आराम से गाड़ी चलाओ, पर थोड़ा खा लो। नहीं नहीं चाहिए। अरे इसे हमारी बुआ ने अपने हाथों से बनाया है, एक बार खा कर तो देखो, थोड़ा सा तो खाओ। तो तुम वेंकटेश से कैसे मिले? जरूर किसी बार में मिले होगे, मैं तुम दोनों को देखकर पहले ही समझ गया था। आखिर इसका बड़ा भाई हूँ, बड़ा भाई मतलब कजन। बाय द वे, तुम क्या पीते हो? सिंगल मॉल्ट, वो जो भी हो। वेरी नाइस। सुनो रवि, इसकी फैमिली की हालत बहुत अच्छी नहीं थी। इसके फादर इरिगेशन डिपार्टमेंट से रिटायर हो चुके थे, और इसकी माँ हाउसवाइफ है। बीएससी के लिए इसने विक्टोरिया कॉलेज में ज्वाइन किया था, और जानते हो उसी वक्त खड़गपुर आईआईटी से एक लेटर आया, और मैंने कहा वहाँ जाकर ज्वाइन कर लो। इसने मेरी बात ही नहीं सुनी, और इसने न्यूक्लियर फिजिक्स को चुन लिया। मुझे अभी भी याद है, उस समय ये 10 साल का था, दीपावली में और दूसरे त्योहार के समय पड़ोस के बच्चे अपने पटाखे इसके पास लेकर आते थे, और ये उन सभी त्योहारों में ना जाने कौन कौन से केमिकल्स मिला के सभी बच्चों के लिए पटाखे बना दिया करता था। दीपावली के समय पटाखों की आवाज सबसे ज्यादा हमारी गली में आती थी, और आवाज इतनी धमाकेदार होती थी, लगता था पटाखे नहीं कोई बॉम है। बहुत ही जबरदस्त पटाखे बनाता था। और एक बात बताऊं, अपने घर में ये सबसे बड़ा है, इसकी छोटी बहन एनएसएस कॉलेज में लेक्चरर है। भैया जरा चुप रहेंगे? अरे क्या हुआ छोटे भाई, रवि तुम्हारा दोस्त है ना? बाय द वे रवि, तुम कहाँ काम करते हो? एट्रियम स्ट्रक्चर्स। ओहो, वो तो बहुत फेमस कंपनी है। मुझे एस्थमा की बीमारी है। रवि तुम्हें इंश्योरेंस पॉलिसी में इंटरेस्ट है क्या? मेरे पास बहुत अच्छी पॉलिसी है, ट्रू लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। आज दुनिया बहुत खराब हो गई है, जहाँ देखो टेररिस्ट अटैक्स, बॉम्ब ब्लास्ट, सुनामी, भूकंप आते रहते हैं। चलो जाने दो, तुम लोग बाहर जा रहे हो ना, या कोई प्राइवेट प्लेस जा रहे हो? भैया वैसा कुछ नहीं है। अरे भाई डरते क्यों हो,
मैं जानता हूँ हमने एक साथ पहले कभी शराब नहीं पी, पर कभी न कभी तो शुरुआत करनी पड़ती है। आज अमावस्या और नरक चतुर्दशी एक साथ पड़ी है। द डे ऑफ इविल। हेलो, अगर तुम सोच रहे हो कि भैया की मदद से तुम मेरे बारे में जान जाओगे, ये कभी नहीं हो सकता। अनंतराम बोल, कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है। हाँ वो सच है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। शायद अमू भूखी होगी, तुम्हारी इस घिनौनी हरकत की वजह से तुम्हारी बेटी को तकलीफ झेलनी पड़ रही है। मैं पहुंच के बात करूंगा, अभी नहीं कर सकता। ठीक है, इनकी बेटी बहुत अच्छा ड्राइंग बनाती है, स्मार्ट गर्ल। भैया वो हमें, हम दोनों को एक जगह काम से जाना है, तो आप अपने क्लाइंट को जीवन रक्षा पॉलिसी देकर उसके बाद एक फुल बोतल लेकर वेट कीजिए, हमें क्लाइंट से मिलकर वापस आ जाएंगे। अरे उसमें दिक्कत की क्या बात है, मैं वेट कर लूंगा। तुम दोनों जाओ अपने क्लाइंट से मिलकर आओ, तब तक मैं बोतल खरीद कर वहाँ चौराहे पर रहूंगा, और वहाँ पास ही में एक चाय की दुकान भी है। कैश मेरे पास कार्ड है, पर कार्ड एक्सेप्ट नहीं करते। छोटे भाई तुम्हारे पास पैसे हैं? तुम हिसाब लिख लेना, मैं पैसे बाद में देता हूँ। तुम लोग एक काम करना, थोड़ा चखना ले आना, और मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ ये बात भूलना मत, पर चिकन तंदूरी मिले तो ले आना। ठीक है, जल्दी आना। छोटे भाई का मूड कुछ ठीक नहीं लग रहा मुझे, इस तरह के मूड में उसे पहले कभी नहीं देखा। चलो छोड़ो, मैं अंदर बैठ के दो पैग मार लेता हूँ। अरे जरा इन लोगों को देखो, ऐसा लग रहा है जैसे कोई रेलवे स्टेशन या सिनेमा थिएटर की लाइन लगी हो। ये कभी नहीं सुधरेंगे। बस एक बात अच्छी है कि बड़ी शांति और विनम्रता से खड़े हैं, ना ही धक्का मुक्की कर रहे हैं, ना ही तोड़फोड़। ए भाई जरा एक बात बताओ, इतनी लंबी लाइन लगी है, मुझे लोकल ब्रांड की कोई शराब मिल जाएगी क्या? मैं नहीं जानता। जानता नहीं है तो खड़ा क्यों है? तुम अपने कॉर्पोरेट बिजनेस में सांप सीढ़ी वाला खेल सामने वाले से कैसे जीत जाते हो, ये मैं जानना चाहता हूँ। तुम कृष्णमूर्ति सर के बहुत खास आदमी थे, और अब नवीन कृष्णमूर्ति के हो। मेरा मकसद जानने के लिए तुम मेरे भाई को मोहरा बनाना चाहते थे। जब अचानक मेरा भाई तुम्हारे सामने आ गया तो तुम एक गेम प्लान करने लग गए। उस वक्त तुम भूल गए थे कि तुम्हारी बेटी अमू किस मुसीबत में है। तुम चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे अब्राहम। तुम्हें लगा कि तुम्हें प्रमोशन मिल जाएगी और प्रोजेक्ट मैनेजर से सीधे ऑपरेशन हेड बन जाओगे, पर तुम्हारा दुर्भाग्य, नवीन कृष्णमूर्ति है तुम्हारा नया बॉस। वो पूरी तरह तुम्हारे हाथ में है ना, लेकिन तुम्हें वहां से निकालने के लिए मेरे हाथ कितने लंबे हैं तुम सोच भी नहीं सकते इब्राहिम। कभी नहीं, नॉट स्टॉप द कार। तुम्हारी कंपनी की नहीं, सिर्फ तुम्हारी, द मोस्ट कवेटेड प्रोजेक्ट जिससे तुम ऐशो आराम से जी सकते हो। तुम्हारे लिए एक ओपन टिकट, वाइपिंग चेराई रूट को छूने वाली ओवर ब्रिज का ये ब्लूप्रिंट रहा। देखो ये है तुम्हारे उस ड्रीम प्रोजेक्ट के पेपर्स। रवि ये सीक्रेट सिर्फ हमारे बीच रहना चाहिए, अगर ये बात बाहर गई तो मुझसे ज्यादा तुम्हें नुकसान होगा। दैट्स योर विश। वाइपिंग चेराई ओवर ब्रिज। मैं जानता हूँ सर, जिस दिन इस ब्रिज का काम शुरू होगा उसके बाद ही दुनिया जानेगी। ये तुम्हें कैसे मिला? ये कैसी बेवकूफो जैसे सवाल पूछ रहे हो अब्राहम? इस दुनिया में तो बड़े बड़े सीक्रेट्स लीक हो जाते हैं, फिर तुम्हारा ये कॉर्पोरेट सीक्रेट लीक होना कौन सी बड़ी बात है? तुम उस बिल्डिंग को पहचानते हो? पहचानते हो गए, साइनोटेक, तुम्हारी कंपनी का सबसे बड़ा दुश्मन। डरो मत, ये तो सिर्फ उसकी कॉपी है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तो पार्वती के पास है। ऐसा मत करो, ऐसा करने से तुम सिर्फ मेरा करियर बर्बाद नहीं कर रहे हो, बल्कि इससे शहर के लोगों के लिए अच्छा होगा। उन्हें ट्रैफिक जाम में जो मुसीबत झेलनी पड़ती है उससे बहुत राहत मिलेगी। ऐसा लगता है तुम्हें समाज सेवा करने का बड़ा शौक है अब्राहम, लेकिन तुम्हें देखने से ऐसा नहीं लगता। तुम पार्वती को अभी कॉल करो,
और उससे कहो कि सैनोटेक के एमडी मैथ्यू सर के कैबिन में पहुंचने से उसे रोक लो। यू स्टिल हैव टाइम। हेलो, पारू रवि बोल रहा हूँ। पारू वो एनवेलप मत देना। रवि तुम ये क्या कह रहे हो? मैंने कहा ना एनवेलप मत देना। वो जो कह रहा है वो हमें करना पड़ेगा। अमु उसके पास है और हम रिस्क नहीं ले सकते। अमु से ज्यादा किसी चीज की अहमियत नहीं है। तुम प्लीज मेरी बात सुनो। मैं करूंगी, वो जो कहेगा मैं करूंगी। पारू, जिंदगी में हर मौका यूं ही नहीं मिलता है इब्राहिम। एक दिन के अंदर ही तुम्हारी बीवी ने तुम्हारे ऊपर से विश्वास खो दिया। लेट हो रहा है, हम जाके उस ऑफिस के नीचे वेट करते हैं, नहीं तो हो सकता है पार्वती कोई चलाकी कर जाए। सही कहा ना मैंने? क्या हुआ, दुखी हो? जिंदगी में जो कभी नहीं भागा वो जल्दी परेशान हो जाता है। तुम्हें कभी इस तरह भागने की जरूरत ही नहीं पड़ी ना। तुम्हारी बेटी कैसी है, वो जिद करती है? चलो उसे फोन करते हैं। छह में कनेक्ट करना। मैं हूं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? हाँ ठीक है, मैं कॉल करता हूं। पार्वती, पार्वती अच्छी दिखती है ना? सुबह से इतने टेंशन में भाग रही है बेचारी, फिर भी उसकी खूबसूरती तो देखो जरा। पारू, वो एनवेलप देने से मैंने तुम्हें मना किया था, वो उस ब्रिज का ब्लूप्रिंट था। I'm sorry, रवि, but वो आदमी, मैंने उसी के कहने पर तुम्हें कॉल किया था। That was our... वो मुझे कैसे पता चलता? मेरे सामने सिर्फ अमु का चेहरा था, मुझे वही दिखाई दे रही थी। तुमने सिर्फ मेरा करियर बर्बाद नहीं किया बल्कि हमारी जिंदगी भी। मैंने तुम्हारा करियर बर्बाद किया, मतलब इस सब की वजह मैं ही हूँ ना? पारू, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब की वजह तुम हो। तुम पति पत्नी आपस में बात कर लो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। रवि, अगर इस सब की वजह मैं हूँ तो फिर वो आदमी क्या है? पहले इस बात को समझो। अगर मैं समझ भी जाऊं तो भी मेरी नौकरी जाएगी। मैंने मेहनत करके अपनी पूरी जिंदगी किसी की मदद के बिना जो गुडविल बनाया है, और तुम्हें और अपनी बेटी को जो अच्छी जिंदगी दी है वो मेरी करियर की वजह से था, और अब वो बर्बाद होने वाला है। रवि, तुम ये नहीं कह सकते कि मुझे और अमु को अच्छी जिंदगी देना तुम्हारा फर्ज है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। अमु हमारी बेटी है। अच्छा, ये मेरे लिए नई खबर है, लेकिन तुम्हारा हमेशा से रहा है कि जब भी कुछ भी गलत होता है तब दोषी सिर्फ मैं ही होता हूँ। Try to understand, रवि, वो आदमी हमसे यही तो चाहता था। वो चाहता था कि उस ब्रिज का प्लान लीक हो और हम दोनों में अनबन हो जाए, और उसने वही किया, और वो भी बहुत आसानी से। रवि, वो फोन लेकर नहीं गया। पारू, उसने जो लास्ट कॉल किया था वो किसी होटल रूम का था। मुझे पूरा यकीन है अमू वही है। हाँ? नंबर बताओ। कॉल की जरूरत नहीं है। तुम लोगों ने अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर ली ना? राजीव गांधी बस स्टेशन में एक बुक शॉप है,
सेकंड शॉप ऑन द राइट, वहीं से बेसमेंट में रख के आ जाओ। तुम्हारे पास एक घंटे का समय है। नहीं कर सकता। जरा फिर से कहना, मैंने सुना नहीं। तारू, आज मैं इसके भैया से मिला, वो आदमी शरीफ है, वो नहीं जानता कि उसका छोटा भाई ऐसा है। ए! अच्छा होगा ये बात यही खत्म कर दो। बात वो नहीं है, तुम अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हो, तुम्हारे पापा एक रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर हैं और बहन इंजीनियरिंग कॉलेज में लेक्चरर है, फिर तुम ऐसा क्यों करते हो? इसे छोड़ दो। में क्या हो सकता है इसमें? जो भी है हमारे लिए वो कोई मायने नहीं रखता जब तक हमें अमू नहीं मिल जाती। मेरे फोन से कॉल करते हैं। नहीं, तुम्हारा फोन टैप हो सकता है, हम इस बूथ से करते हैं। इसे पकड़ो। हेलो, क्वींस लॉज। क्वींस लॉज ये कहां पर है? थोड़ी देर वेट करो, हम जल्दी वापस आते हैं। आओ। हाँ जल्दी आइएगा। क्या बात है, मजे हैं। रवि, वो बैग? वो ऑटो में है, वो चाहता है तो ले जाने दो। तुमने खेल में धोखा दिया इब्राहिम, तुम्हारा खेल खत्म हुआ। तुम्हें समझना चाहिए था कि अगर मैं चाहता तो तुम्हें इस शहर में उस कार के अंदर पूरे दिन के लिए लॉक करके रख सकता था। तुम्हें एक बार सोचना चाहिए था कि क्यों मैं अपना मोबाइल फोन जानबूझ के तुम्हारी कार में छोड़ के चला गया। आखिर में तुम दोनों मेरे जाल में फंसी गए। हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? आखिर तुम हो कौन? तुमने टक्शन की कहानी सुनी है? खतरों का कोई रूप नहीं होता। तुम जहां चाहो वहां जाके छुप जाओ, किसी भी तरह ढूंढ के वो तुम्हें मार ही डालेगा। हमारी बेटी कहां है? बताता हूं। एक बच्चे के बाद तुम क्यों रुक गए? दो होता तो ठीक होता, एक गया तो दूसरा तो जिंदा रहता ना। फैमिली प्लानिंग कर लिया क्या, या रवि तुमसे बोर हो गया है? ये हो क्या है ना? हाँ, मैं तुमसे जीत नहीं सकता कसम से, लेकिन कभी कभी ये 6 फीट का कद और ये सॉलिड बॉडी इंसान के पास होते हुए भी वो मजबूर हो जाता है। तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो वहां तेरी बेटी ऐसे ही मसल के मारी जाएगी, ये बात मत भूल। पार्वती, तुम डर गई? करते कितने खूबसूरत हो तुम्हारे
खुशबू कितनी प्यारी है। ए, जब तू ये खेल खत्म करेगा तब मैं तुझे मार डालूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जान से मार दूंगा। ये खेल खत्म होने का मैं भी वेट कर रहा हूं। और सुनो अब्राहम, तुम बर्दाश्त कर पाओगे? पार्वती, इसने मेरा मूड खराब कर दिया। अभी सुबह होने में बहुत टाइम बाकी है, तो अब तुम जाओ अब्राहम, बस स्टेशन पे जाओ। पार्वती को मेरे साथ रहने दो, और अगर कहीं तुमने चालाकी की तो क्या कर सकता हूँ अच्छी तरह जानते हो। चलो जाओ। कभी कभी इंसान को मजबूर और बेबस होके पाप का भागीदार बनना पड़ता है, चाहे उसकी चाहत हो या ना हो। यहां मैं पाप कर रहा हूं लेकिन सजा तुम भुगत रहे हो, यही दुनिया है। अगर इस दुनिया में जीना है तो कभी कभी ऐसे रास्तों से भी गुजरना पड़ता है। सदियों सदियों से ऐसा ही होता आया है अब्राहम। आज रात को मुझे और भी कई सारे पाप करने हैं। तुम अपनी कॉर्पोरेट दुनिया में किस तरह क्लाइंट को अपने वश में कर लेते हो,
वो मुझे देखना है। उधर देखो उस ब्लैक साड़ी वाली को। अब जाओ उसे लेकर आओ। ये क्या कह रहे हो? मैं उस औरत को लाऊं? मैं देखना चाहता हूं तुम रेट कैसे फिक्स करते हो। ध्यान रखना वहां भीड़ लगने से पहले उसे लेके आ जाओ। अगर तुम नहीं जाओगे तो पार्वती जाएगी। क्या तुम ऐसा चाहती हो? क्या डिस्काउंट में चलेगी क्या? चल हट आवारा कहीं का, जाकर मॉल में डिस्काउंट पूछ। बड़ा आया डिस्काउंट मांगने वाला, पता नहीं मेरा ही दिमाग क्यों खाते हैं। डिस्काउंट देने के लिए मैं कोई दुकान खोलकर बैठी हूँ? हेलो। अरे वाह, कहीं मैं सपने में तो नहीं हूँ? तू गाड़ी से उतरा तो मुझे लगा तू हवा खाने बाहर निकला है। तुम चलोगी? मैं 1,000 रुपया दूंगा। क्या बोला रे तू, तेरा दिमाग तो ठीक है ना? तू मेरे लिए रेट फिक्स कर रहा है, ये शर्म की बात है। अगर लोगों को ये बात पता चले तो क्या कहेंगे? मैं आपको क्या रे, जब देखो आजकल बहुत बिजी रहती है तू, और तेरा मोबाइल फोन क्यों बंद आता है? देख मुझे अपनी जिंदगी जीने दे। लगता है तेरा रेंज आजकल बदल गया है, सिर्फ पैसे वालों के साथ मामला सेट कर रही है। मेरा धंधे का टाइम है, खोटी मत कर। अगर तू चलने को रेडी हो तो मेट्रो में मैंने रूम बुक किया है आज। अभी मैं भला कैसे आ सकती हूँ? तू जा यहाँ से, इससे डील सेट करने के बाद मैं राजू के साथ आ जाऊंगी। अरे क्या बकवास कर रही है तू, तेरी पसंद का मैंने आज मच्छी फ्राई और ड्रिंक्स भी ऑर्डर किया है। लेकिन अभी मैं कैसे आऊंगी? ए सुन, तू 5 मिनट वेट कर सकता है? मैं जल्दी से इसका मामला निपट कर आ जाती हूँ। और हाँ, यहाँ आसपास बहुत लोग आ सकते हैं, लेकिन तू उनके जाल में मत फंसना, वो गंदे हैं। मैं नहीं रुक सकता, तुम्हें मैं 1,500 रुपये दूंगा। अरे कैसे आदमी हो यार, औरत पहले कभी देखी नहीं क्या? जा किसी और को जाकर देखना। नहीं जा सकता। तेरी तो ठीक है, मैं जाने को रेडी हूँ, तू बस मुझे 750 रुपये दे देना, समझ गया ना? अरे तुम देखने में इतने स्मार्ट दिखते हो, तुम्हें तो कोई भी मिल जाएगी ना। अरे क्यों मेरा काम बिगाड़ने में लगे हो? तू मेरी बात सुन, तू जाकर कोई अच्छी सी फिल्म देख कर आ, मैं इससे डील खत्म करके जल्दी ही आ जाऊंगी। कितने महीनों के बाद मुझे अच्छी डील मिल रही है। चल जा तू निकल। देखना तेरा भी दिन खराब जाएगा। 1,500 के लिए मुझे मना कर रही है? तेरी कार इधर ही रहने दे, ऑटो में चलते हैं। नहीं, हाँ ये क्या है रे, दो दो औरतों के साथ एक साथ? ये मेरी बीवी है। आजकल लोग अजीब अजीब काम करते हैं। पिछले महीने भी एक ऐसे ही आया था, पति पत्नी और उसका एक दोस्त। उन्होंने मुझे 2,000 रुपये दिए थे। ये तेरा दोस्त ही लग रहा है। मेरी बात सुनो, इन साहब और मेरे बीच एक बाजी लगी थी। मैंने इनसे कहा कि बुलाने से लड़कियां आती हैं, साहब ने कहा नहीं आएंगे। ये साहब बाजी हार गए। ये क्या किया आपने? मैं आपके खेल में जोकर थी क्या? मैं उसके साथ ही चली जाती ना। लो। नहीं चाहिए साहब, बिना काम किए मैं मजूरी नहीं लेती। ये मजूरी नहीं है, खुशी से दे रहा हूँ। आप लोग इसी तरह खुशी बांटते हैं क्या? आप बहुत अच्छे हैं साहब। तो अब मैं चलूं? चलती हूँ। तुमने मेरे साथ ऐसा चीप गेम क्यों खेला? जब से मैं इस कार में बैठा हूं तब से तुम्हारे किस सवाल का मैंने ठीक से जवाब दिया है? तुम्हें कुछ अंदाजा है हम लोग कहां जा रहे हैं? चलो केस करो। हम अपनी बेटी से मिल सकते हैं, एक बार बात कर लें प्लीज, बड़ी मेहरबानी होगी। मुझे सिर्फ एक बार उसकी आवाज सुननी है, उसके बाद तुम जो कहोगे वो मैं करूंगा, मुझ पर विश्वास करो। कितनी ही बार इंसान जिंदगी में अपने आप से झूठ बोलता रहता है, फिर मैं तुम पे कैसे विश्वास कर सकता हूँ? तुम ही बताओ मुझे।
पहुंच गए पार्वती, यहां सारी प्रॉब्लम्स का अंत होने वाला है। पार्वती तुम गाड़ी में ही बैठो, रवि तुम उतरो। आज रात तुम जिससे मिलने वाले थे वो तुम्हारा बॉस अंदर है। ये तुम्हारे लिए है, अगर तुम चाहो तो प्रॉब्लम्स को आज ही खत्म कर सकते हैं। ये कहानी आज यहीं खत्म हो जाएगी। खत्म कर दो उसे। ये तुम क्या कह रहे हो, मैं मार डालूं? किसी को मारने में तुम्हें डर लगता होगा, मुझे नहीं लगता। अमु और पार्वती ने तो अभी जिंदगी जीनी शुरू भी नहीं की है। तुम मुझे मारना चाहते हो? क्या तुम चाहते हो कि अमू को कुछ हो? तो तुम मुझे शौक से मार सकते हो, वो अभी भी मेरे कब्जे में ही है। तुम खुद समझदार हो, सोच सकते हो। तुम्हारा एक खुशहाल परिवार है, माँ बाप छोटी बहन, फिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? जैसा तुमने कहा, ये लोग मेरे लक्ष्य के आगे कुछ भी नहीं है। रवि, यू स्कैर्ड मी। तुम यहां पर कैसे? ओहो, ये तुम मुझसे पूछ रहे हो? ये तो मेरा ही घर है। ये सवाल मुझे पूछना चाहिए था। इस घर का पता तुम्हें कैसे मिला? ओ, वो मैसेज, वो तुम्हें मिल गया था ना? कैसा मैसेज? क्या रवि, सुबह फोन करके तुमने मुझसे क्या कहा था? तुमने मुझे बॉस कहा था, पार्वती की तबीयत खराब है कहा। नहीं, मैं थोड़ा लेट आऊंगा, पार्वती की तबीयत खराब है। ये सब तुमने कहा था ना? मुझे लगा ही था समथिंग वॉज बगिंग यू। थोड़ी देर के बाद मैंने तुम्हें इस घर का एड्रेस मैसेज किया था। उसके बाद मैंने तुम्हें कितनी बार फोन किया, नो रिस्पॉन्स। मेरे पास मोबाइल नहीं था। मुझे लगा तुम आज नहीं आओगे। लगता है पार्वती के जैसे मुझे भी एक सरप्राइज दिया तुमने, ये तुम्हारा प्लान था। तुम इतने नर्वस क्यों हो रवि? ये मेरा घर है इसलिए। लोगों से डरकर लिफ्ट में कितनी बार, ऑफिस के रेस्टरूम में, हम एक दूसरे के बाहों में थे। आज ये घर सिर्फ हमारे लिए ही है। रवि, इस दिन का मैं बेसब्री से इंतजार कर रही थी। और तुमने भी पार्वती से कितनी बार झूठ बोला है रवि, याद है ना तुम्हें? देवी, हमें ये नहीं करना चाहिए। व्हाट? मैं समझ गई, तुम्हारा आज बिल्कुल मूड नहीं है। तुम्हारा सफर लंबा था, तुम अपने आप को दोषी समझ रहे थे कि तुम पार्वती को धोखा दे रहे हो। तुम्हें क्या लगा मैं दोषी नहीं हूं? देवी,
नाम से उसका सरनेम जुड़ा है। वो मेरा हस्बैंड है, नाम है वेंकटेश। अब ये कहाँ है? मैंने तुम्हें बताया था ना, आज सुबह वो दिल्ली गया है, नहीं तो हम दोनों कैसे मिल सकते थे, तुम भी ना रवि। अगर हमारे बारे में तुम्हारे पति को पता चला तो? तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती हूँ, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन अभी तुमने ऐसा क्यों कहा? वो सब कुछ जानता है। What? मेरी बेटी उसी के पास है, मार डालेगा वो उसे। No. अपनी बेटी को बचाने के लिए मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। हमने जो पाप किए उसके लिए यही सजा है, वो आदमी वही चाहता है। मैं अपनी मासूम बेटी को बलि नहीं चढ़ा सकता देवी। तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है। नहीं कर सकता, नहीं मार सकता इसे। Come on, do it. मैं नहीं मार सकता इसे, लेकिन मैं मार सकता हूँ। किसी एक की मौत तो पक्की है रवि। एक 6 साल की बच्ची को मारने से अच्छा है इसे ही मार दिया जाए। मैं नहीं मार सकता। Do it now! देखा ना, ये जो है तुमसे कितना प्यार करता है। तुम मेरे खिलाफ बहुत सारे कारण बता सकती हो देवी। एक पति जो रात को देर से आता है, और जब रात को तुम्हारे साथ रहता हूं तो रात को बर्बाद करने का दोष मुझे देती हो। मेरा काम लैक ऑफ केयर, ऐसे कई कारण हैं। किसी भी नॉर्मल शादी के बंधन में पत्नी की जरूरतों को पूरी करना जरूरी होता है, और ये सही भी है। लेकिन इंसान को कभी कभी जब ऑफिस में बहुत काम करना पड़ता है तो ये स्वाभाविक सी बात होती है कि अपने साथ काम करने वाले कलीग के साथ करीबी बढ़ जाती है, खासतौर पर जब वो स्मार्ट दिखता हो, और ऐसा होता है। और फिर बाद में दोनों का ये रिश्ता प्यार में बदल जाता है, ये मैं समझता हूं। लेकिन ये कोई प्यार नहीं था। मुझे ऐसा लगा था कि तुम इसे नहीं मारने वाले हो, लेकिन मैंने जो सोचा वो गलत था। तुम उसे मारने के लिए तैयार थे, तो फिर ये तो प्यार नहीं था ना, सिर्फ एक जिस्म की दूसरे जिस्म से मिलन की चाहत थी। जब तुम उस वेश्या से मोल भाव कर रहे थे तब मुझे इसकी याद आई थी। अपने भूखे पेट को भरने के लिए अपना शरीर बेचने वाली के सामने ये मुझे बहुत नीचा दिख रही थी। उसे वेश्या कहते हैं। और तुम्हें क्या कहूं देवी, तुमने तो जिस्म के मिलन के लिए दाम लगाया। उस होटल के रूम में जब मैंने तुम्हारी पत्नी के शरीर पर हाथ रखा तो तुम्हारा चेहरा कैसा बदल गया था याद है? तुम्हें वो दर्द याद है? तुम जानते थे कि मैं उधर नहीं रहूंगा, और तुम मेरी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए इधर आए। आज पूरा का पूरा दिन मैं तुम्हारे साथ घूमता रहा। तुम सोच सकते हो कि मुझे कितना दर्द हुआ होगा। नाला कि प्लीज ऐसा मत करो। Oh,
बेटी कहाँ है? अब वो बेटी सेफ है, वो तुम्हारे घर पे ही है। अम्मू, 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 पापा। How was your day? मैंने और बियट्रिस आंटी ने हाइड एंड सीक खेला। अच्छा, अच्छा है। अब सो जाओ। Good night. पारू, उसने उसके साथ मिलकर हमारी बेटी को किडनैप किया। वो कुछ नहीं जानती है। क्या मतलब? अमु इसी घर में थी और वो भी सेफ, और अनजान थी कि उसके पापा पैसे और करियर खुद के लिए कमा रहे थे, और बियट्रिस का इस पूरे खेल में कोई रोल नहीं था। मैं कुछ समझा नहीं। मैं जानती हूँ, मैं सब कुछ जानती हूँ। हेलो, हम वेंकटेश, मैं देवी का हस्बैंड हूँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। उस आदमी ने सिर्फ मेरा पैसा बर्बाद नहीं किया है पारो, उसने हमारी बेटी का भविष्य भी बर्बाद किया है। किसने कहा कि उसने हमारा पैसा बर्बाद कर दिया? कैन यू प्लीज मेक इट फास्ट, मैं यहाँ वेट करती हूँ। हमें पैसा नहीं चाहिए, मैं बाद में आती हूँ, वो स्लिप मुझे दे दीजिए। ओके। सिर्फ मेरा करियर ही बर्बाद करना तुम दोनों का लक्ष्य था। उसने वो भी नहीं किया रवि, तुम्हारा करियर भी सेफ है। उसने कुछ भी बर्बाद नहीं किया रवि, ना तो करियर, ना ही पैसा, और ना ही हम, सब सुरक्षित हैं। तो तुमने बेवकूफ बनाया मुझे, पूरा दिन और पूरी रात तुम। I'm sorry. It's okay. अच्छा किया। I deserve it. लेकिन क्यों? ताकि तुम्हें एहसास हो कि जब कोई अपना धोखा देता है तो कितना दर्द होता है। जब उसने मुझे सब कुछ बताया, मैं बहुत शर्मिंदा थी कि मैं तुमसे प्यार कर रही हूँ और तुम हर रात किसी और औरत के साथ उसकी खुशबू लेकर मेरे पास आते थे। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि ये सब करने से मुझ पर क्या बीत रही होगी रवि। तुमने कुछ नहीं खोया है रवि, सिर्फ एक चीज खोई, जिसे तुम अपनी पत्नी कहा करते थे।
अब वो तुम्हें नहीं मिलेगी। मैं कोई एक्सक्यूज नहीं दूंगा, तुम फैसला करो। मैं सच कहता हूं पारू, तुम में कोई कमी नहीं थी, लेकिन वो हो गया। अभी मैं सफाई नहीं दूंगा। आज जो कुछ भी हुआ है मैं जानता था, उसका अंजाम नहीं था। फैसला तुम करो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, शायद मैं तुम्हें माफ कर भी दूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। आज का दिन तुम भी हमारी बेटी के लिए भागे थे, बहुत तकलीफ सही, बेइज्जती झेली, इससे साबित हुआ कि तुम एक अच्छे पापा हो, और सिर्फ उसी वजह से। लेकिन रवि, एक बात पूछूं तुमसे, देवी की जगह अगर मैं होती तो तुम मुझे माफ कर देते? Excuse me, Dr. Susan. रवि, आ जाओ। तुम सही वक्त पर आए हो। Morning, Susan. Morning. पार्वती। Hi. Hi. Come. Susan, ये चेक ले लो। ये तो बहुत अच्छी बात है। कई लोग अपनी पत्नी की बर्थडे पार्टी का बचा हुआ खाना लेकर यहाँ आ जाते हैं, लेकिन पत्नी की बर्थडे पर हमारे ट्रस्ट को इतनी बड़ी रकम देना, it's really appreciable. मैं इस तारीफ के काबिल नहीं हूँ, ये तो इसकी तमन्ना है। मैंने इस हॉस्पिटल के बारे में काफी कुछ सुन रखा था कि पेशेंट को अपने घर से ज्यादा यहाँ पर प्यार मिलता है। हमारे सीनियर सर हमेशा कहते हैं, पेशेंट्स को दवाई से ज्यादा मन की शांति चाहिए। हम वही ट्राई करते हैं। रवि, क्या हुआ? क्यूरियस केस है, इन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किया था, लेकिन वो मरी नहीं, इनके हस्बैंड ने इन्हें बचाया। ये सिर्फ जिंदा है और कुछ नहीं, शी इज पैरालाइज्ड। सब लोग जानते हैं कि अब ये कभी नहीं चल पाएंगे, लेकिन एक आदमी का इस पर विश्वास नहीं, वो है इनका हस्बैंड। लो देख लो, वही है। आपने जो दवाई बताई थी वो मिल गई है? अच्छा है, मिल गई ना।